हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुफ्री क्लासेज यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। यहाँ पे देखिए, एक प्रश्न है सामान्य ज्ञान का, पेपर में पूछा जा सकता है, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, जीके जीएस। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ था? मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि इसका गठन कब हुआ, इसका मतलब कार्य क्या है, और एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है, और इसका पूरा नाम। ठीक है, तो मैं पहले यही बता देता हूँ लोगों को कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी का गठन कब हुआ था। तो डेट लिख लीजिए, 6 अगस्त 1952 को, ठीक है, हुआ था। 6 अगस्त 1952 को एनडीसी की एनडीसी का गठन किया गया था। और मैं बात करूं कि इसका कार्य क्या होता है, तो कार्य लिख लीजिए इसका कि जो योजना आयोग होता है, योजना आयोग जो मतलब बजट तैयार करता है, उसका यह सर्वेक्षण करता है। एनडीसी लिख लीजिए यहां से, योजना आयोग के द्वारा तैयार किए गए, योजना आयोग के द्वारा तैयार किए गए बजट का सर्वेक्षण करना, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का कार्य क्या होता है, तो योजना आयोग के द्वारा तैयार किए गए बजट का सर्वेक्षण करना होता है। अब मैं बात करूं कि एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है और इसका पूरा नाम। अच्छा, पूरा नाम हिंदी में तो लिखा ही है, इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं। तो एनडीसी का अध्यक्ष जो होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, भारत का प्रधानमंत्री। अगर पूछा जाए इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। और मैं बात करूं कि एनडीसी का फुल फॉर्म लिख देता हूं, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, विकास मीन्स होता है डेवलपमेंट, और डी फॉर डेवलपमेंट, और सी फॉर काउंसिल, हो गया इसका फुल फॉर्म। जब पेपर में पूछा जाए कि एनडीसी, इतनी तो जानकारी आप लोगों को मिल गई। अच्छा, एक बात और याद रखना कि जो ये योजना आयोग है, योजना आयोग, इसका नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है, याद रखना, नीति आयोग, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक अवश्य करें। जितने भी लोग देखते हो, इससे पता चलता है कि कितने लोग पसंद करते हो इस वीडियो को। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।